चंबा भाई, आप अपनी इस खोपड़ी में से सोच के मुझे कोई ऐसी तरकीब बतलाओ कि लोग काम करें और पैसे मुझे मिले। गुरुजी, ऐसे भी कोई काम होता है? गुरुजी, हमें भी बताओ, हम भी करेंगे। चुप करो। हम अपने ग्राहकों का ख्याल रखते हैं। ठीक है गुरु माता, हमें कुछ नहीं आता। बात चुप करो। चंबा भाई और बता, मैं कुछ तो बोलने दो। चंबा भाई बोलो। ए मुल्ला जी, तुम ऐसा करो, हम तुम्हें एक काम बता रहे हैं, तुम सुलभ शौचालय खोल लो। क्या? मैं चंपा भाई शौचालय खोलूं? डरो मत रे पागल, लोग बखाना करेंगे और पैसा तुम्हें मिलेगा। गुरुदेव, ये काम तो हमें भी बताओ, हम भी करेंगे। गुरु माता, हमने आपकी आज तक सेवा करी और ये तरकीब आपने हमें नहीं बताई। इधर ही। ए मुल्ला जी, तुमने मेरी चेली क्यों पीटी? मैं चंपा भाई, मैंने इसलिए मारा ही ना, मैंने इनके जैसा पागल कोई नहीं देखा। बिल्कुल पागल ही हो, बदतमीज साली है। मैं इतने दिन आश्रम में रहने के बाद भी अगर तुमने खाने कमाने का ज्ञान नहीं सीखा तो तुम जैसा पागल कोई नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, हमने तुम्हें ज्ञान दिया और तुमने मेरी चेली को पीटा? मारो, इसकी खाल में घुस भर दो, मारो, भूखों से मारो। अच्छा, मेरी चेली को मारो। अरे भाग गया। और तुम्हें क्या जरूरत है बीच में बोलने की? गुरुजी पहले ये बोली थी। गुरुजी यही बोली थी। तुझे मैं बताऊं अभी? आइए तुझे बताऊं अभी। आजा तुझे बताती हूं, मैं बहुत बनके दिखा रही तो अपना। चुप करो, अपना काम करो और नए ग्राहक का इंतजार करो। तो खटमल का बाप आ गया। नहीं शेख जी, नहीं शेख जी, मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं शेख जी, नहीं शेख जी, मत मारो। नहीं, अरे अल्लाह शेख जी, छोड़ो शेख जी। नहीं शेख जी, नहीं आई, नहीं शेख जी, शेख जी मत मारो शेख जी। आई शेख जी, आई शेख जी, नहीं नहीं अम्मी बचाओ, मार दे शेख जी, नहीं मत मारो शेख जी, बचाओ। नहीं शेख जी, आई आई नहीं शेख जी, शेख जी नहीं आई। मैं जा रही हूँ अपने अब्बू के घर, मैं अभी यार रहती नहीं। मैं
मैंने भी इस आदमी का इलाज ना करवाया ना, मेरा नाम भी रुखसाना नहीं। अरे बेटा रुखसाना, तू यहाँ कैसे उदास हो रही है? और शेख नहीं आया? नाम मत लेना उनका, मुझे बहुत मारा और घर से भी निकाल दिया। अच्छा तू आराम से रह, तू चिंता मत कर, मैं तेरा दूसरा निकाह कर दूंगा। क्या? मेरा दूसरा निकाह? मैं नहीं करूंगी अब्बू। बेटा मैं तो तुझे तसल्ली दे रहा था। तसल्ली देने का और कोई तरीका नहीं था अब्बू तुम्हारे पास? चल तू फिक्र मत कर, और भी तरीके हैं, मैं उसे जेल में डलवा दूंगा, पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। ये तो तलाक से भी बुरा तरीका है अब्बू। ले और नया तरीका भी है मेरे पास, उसे पुलिस के डंडे लगवा दूंगा, उसे नानी याद आ जाएगी। ये तरीका ठीक है अब्बू, मगर मैं अपनी आंखों से पिटता देखूंगी। ठीक है तो मुझे चंपा बाई के पास जाके दवाई लानी पड़ेगी। ठीक है अब्बू, जाओ दवाई लेकर आओ, मुझे भी उनसे अपना पूरा बदला लेना है। ठीक है बेटा तू बैठ, अभी तेरा अब्बू जिंदा है, मैं अभी आता हूँ दवाई लेके। ठीक है। तू टेंशन न लिए बेटा, मैं हूँ ना, अभी तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है अब्बू। खाना खाया? अभी नहीं, मैंने भी नहीं खाया। वो चंपा बाई नहीं है जी? गुरुजी नहीं है, हमें बताओ क्या काम है। अजी वो काम तो गुरुजी के मतलब का है। अरे कभी कभी चेले भी काम आ जाते हैं। मेरा काम तुम्हारे बस का नहीं है, मेरा काम मोटा है मोटा। क्या बोलेगा, उल्टा बोलेगा, बदतमीज से बोलेगा। पागल तो नहीं है तू? क्या होता है मोटा पतला, देख क्या रही है पीठी से? कमबख्त मोर पे से हम खुद तमीज से बता रही हूं कि मोरी से मोर जा चला जाए ऐसे, नहीं तो तुझे तमीज सिखा दूंगी। अजी मैं तो ये बोल रहा था मेरा काम मोटा है मोटा। फिर पागलपन बताऊं तुझे अभी? अजी पहले मेरी बात तो सुनो, मेरा मतलब है बड़ा काम है, बंदे की दवाई लेनी थी जिसे खा के बदला लिया जा सके, वो मोटी रकम की बात करनी थी। अच्छा तो ये मोटा काम था तुम्हारा। हमें माफ करो गुरुजी कल आएंगी, अगर हमसे काम चलता है तो चला लो। तुमने तो अपना काम कर दिया, मैं तो चला फिर आऊंगा। एक ग्राहक आया था वो भी चला गया। हाँ। गुरुजी से शिकायत करनी पड़ेगी। सही कह रही है तू। परेशान हूँ इधर आओ। अबे शेख चिल्ली कैसा बड़बड़ाता रहा? मैं परेशान क्या भाईजान, लोग साले जीने नहीं देते, कुत्ता लेके आ गया मेरे पीछे, कुत्ते को भगा रहा, कुत्ते से कटवाएगा मुझे। अच्छा एक बात बताओ शेख चिल्ली रुखसाना भाभी कैसे नाराज होके गई हैं? मैं एक बात बताती भाईजान, तू मेरी हमदर्दी में पूछ रहा है या खुशकी ले रहा? भाई मुझे तेरे से हमदर्दी है, तभी तो मैंने बुलाया तुझे, और किसने बुलाया तुझे गाँव में? हाँ भाईजान ये बात तो आप सही बतला रहे हो, इसका मतलब आप मेरे हमदर्द हो। हाँ जी हाँ जी, पूरा हमदर्द हूँ, कभी भी अजमा लियो। ठीक है तो भाईजान आप ऐसे करो, मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे रुखसाना को लाना। ओ भाई शेख चिल्ली, हमदर्दी चाहे कितनी करवा ले पर देने को पैसे नहीं है। भाई जब तेरे पास 500 रुपए नहीं है देने को, इसका मतलब तो तू मेरी खुशकी ले रही है भाई। यार तू तो नाराज हो गया। ओ भाई तू तो हमारी खुशकी ले रही है और हम नाराज भी ना हो। मैं जान से मार दो साला, सर फोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा साले, भाग गया साला। भाई रुक जा रुक जा, साले खुशकी ले रहा, साले की प्यासी फोड़ दूंगा। भाई एक तो हूँ साले कुत्ते से कटवाने के चक्कर में, अन्य को राशि एक चिल्ली इधर आइयो इधर आइयो। भाई मैंने सोची साला अच्छी सलाह देगा, भाई साले खुशकी ले रहा, निकल जा साले। आ साले मैं तो वैसे परेशान हूँ, खुशकी ले रहा। आ गए अब्बू? हाँ बेटा, मगर चंपा बाई नहीं मिली। मेरा क्या होगा अब्बू, मैं तो बहुत परेशान हूँ। देख बेटा तू वापस जा और मेरे ज्ञान से काम चला,
वो कैसे अब्बू? ला कान ला, मैं बताता हूँ तुझे एक ज्ञान। बताओ अब्बू। अरे वाह अब्बू, ये ठीक है, तो मैं जाती हूँ। जा बेटी जा, मेरी बेटी बहुत भोली है, जा बेटी, अल्लाह तेरा भला करे। वो कहाँ गए अंकल जी, खाना लियाओ, भूख के मारे पेट में हाथी कुदरे चूहों की जगह। साला कुछ की ले रहा साला बदतमीजा, मैं जब कुछ करना खाना बस की नहीं है, सालों मर जाओ कहीं जाके। बदतमीज साले, साले पत्थर से सिर फोड़ देता, बच गया साले फोड़ देता। बस एक चिल्ली। हाँ भाई जान। भैया क्या बात है? मैं बात क्या, मैं लोग परेशान, पता नहीं परेशान करने में क्या मजा आता है लोगों को। अरे एक बात तो बताओ। हाँ। रुखसाना जी दिखाई नहीं दे रही। इसमें रुखसाना दिखाई दे रही पता क्या, आ जाएगी, अपने घर गई है, 5-7 दिन में आ जाएगी। क्या बात, कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई है क्या? मैं लड़ाई क्या ही था, आपस में चलती रहती है, अपने घर गई है, आ जाएगी। एक बात बता लीजिए, तुम ऐसी पूछ रहे हो या हमदर्दी में पूछ रहे हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा, गाँव के हिसाब से। गांव के हिसाब से पूछ रहा तू? तो गांव के हिसाब से पूछ रहा तू? मुझे यहाँ बैठ के पूछ रहा रुखसाना कहाँ चलेगी है, और यहाँ रोटी सटकने को बैठा हुआ तो रोटी खाने लग रहा हूँ। पर रोटी खाने को नहीं पूछ सकता तू, गांव के हिसाब से पूछ रहा? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा खाने की, वो जो मैं खाऊं मैं खाने को। अब्बू ने बिल्कुल सही सलाह बताई है, करती हूँ जाके। शेख जी, शेख जी, पता नहीं कहाँ चले गए, है ही नहीं, कहाँ चले गए पता नहीं। वैसे तो अब्बू ने बिल्कुल सही तरकीब बतलाई है, करके देखती हूँ। वह लगा है घर तो खुला हुआ था। शेख जी, है ही नहीं घर में, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे दरवाजा बंद करता हूँ, आज देखती हूँ क्या होता है। ओबे, रुखसाना तो आ गई घर में, मगर लाल पीली सी ज्यादा हो रही है। ओबे रुखसाना, क्या बात होगी, कैसे टेंशन में, और तू कब आई? शेख जी अभी आई मैं तो। शेख जी मेरा दुपट्टा छत पे चला गया, उसे उतार के ला दो ना। ऊपर से उतार के ला दूं? हाँ शेख जी हाँ। मैं एक बात बताइए रुखसाना, मैं ऊपर कैसे चला गया जब तू छत पे गई नहीं? वो बंदर ले गया। मैं क्यों झूठ बोल रहा है खुदा की बंदी, मैं हमारे यहाँ तो बंदर है ही नहीं, सच सच बोल। मेरा मतलब ये था बिल्ली या बंदर। हाँ हाँ हाँ, बिल्ली ले गई, बिल्ली। हाँ बिल्ली ले गई होगी साली। इतने ऊपर मैं चढ़ूंगा कैसे? अगर चढ़ने का जुगाड़ होता तो मैं ही ना उतार लेती, सोचो। वैसे तो तुम बहुत अकलमंदी दिखाते हो, अब दिखलाओ अपनी अकलमंदी। ये तो बेइज्जती कर रही है। क्या सोच रहे हो शेख जी, डर गए क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आइडिया आ गया आ गया। बोलो बोलो क्या आइडिया आया। रुखसाना तू ऐसा कर, तू घोड़ी बन जा। क्या? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ये है कि तू नोड़ दियो और मैं तेरे ऊपर चढ़ गई हूँ, छत पर चढ़ जाऊंगा। ये सही तरीका है इन्हें परेशान करने का। क्या क्या सोच रही है, दुपट्टा उतरवाना है? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं शेख जी। हाँ हाँ दुपट्टा उतरवाना है, मैं झुक जाती हूँ, तुम चढ़ के उतार देना। चलो चलो चल, ठीक है ठीक है। अबे ऊंचा बहुत है। हाँ शेख जी मैं झुक जाती हूँ। नो 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 नो, सांड हो रहे कति खा खा के। बहुत ऊंचा सांड दिया तो ना हो जाए। Thank you.
भाई, साली बिल्ली को भी साली जितना मिली सारी बिल्ली का भी हिरन बना दूंगा। छत पे तो है नहीं, पागल बना रही है मेरा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पूछता हूँ इससे। यो 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 कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा? तो कोई ले गया होगा। हाँ, कर देना मुझे परेशान। हाँ, वैसे चढ़ा दिया मुझे इतना ऊपर। आ जाओ वापस। चल ठीक है, थोड़ी बात मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अब बिल्कुल पागल बना दिया है, पूरी छत पर घुमा दिया मुझे, दुपट्टा बिल्ली ले गई। रुखसाना। हाँ जी। मैं अब आप नोट घोड़ी बन में उतरूंगा। आ रही हूँ। अभी मैं चाचा खाती हूँ इन्हें। ये लो, उतरो जल्दी। नोट जा, किधर गई? आया मजा, अब पता चलेगी। अबे क्या हुआ, उतरो जल्दी। अबे किधर गई, टांग छोटी पड़ गई, देखा खड़ी तो है, खड़ी तो है। अब पता चलेगी, अब आ रहा है ना मजा। ना रही। क्या ड्रामा लगा रखा है, उतरना नहीं है क्या? अबे खड़ी तो है यार, अबे खड़ी तो है, आपको कुछ लंबी टांग करता हूँ। शेख जी ठीक से उतरो ना। मैं गिरवाएगी तू मुझे? यही तो हूँ। खड़ी है जल्दी, मेरे से क्यों नहीं टच हो रही तू? उतरो। हैं? ठीक है खड़ी है, ठीक है, अब सही है। ओए साली गायब हो गई, परेशान कर रही है। ठीक है तो साली, ईट भी हिल रही है, अगर मैं गिर गया तो दहकनी थी। क्या है सेठ जी? चल पागल बना रही मुझे, पागल बना रही। नहीं सेठ जी मत मारो, सेठ जी नहीं सेठ जी। पागल बना रही ऊपर चढ़ा है, टांग नीचे को हट जा, टांग नीचे को हट जा, टांग नीचे हट जा, नहीं जान से मार दो साली। जा रही हूँ अपने अब्बू के घर, अगर मैंने भी तुम्हारी खाट खड़ी ना करवाई अब्बू से कह के, तो मेरा नाम भी रुखसाना नहीं। जा करवा अपने अब्बू से। हाँ, मारो पर यही। जा चली जा साली, सज के जा रही है, सज के जा रही है, दुपट्टा धड़का घर में, साली जान से मार दूंगा, परेशान कर रही है साली। हाँ, जा चली जा साली, करवा दे खाट, खाट हटोला कुछ भी करवा दे खड़ी। जा चली जा साली। हाँ यार चिड़ी तो मौज में। जा यो, 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 यो। पहले तुम्हारा इंतजाम करवाऊंगी अब्बू से कह के, जा रही हूँ अपने अब्बू के घर। मैंने भी इस आदमी का इलाज ना करवाया तो ना मेरा नाम भी रुखसाना नहीं। अब्बू, अब्बू। अरे अरे बेटी रुखसाना, तू रो रही है? आज फिर कोई लफड़ा हो गया क्या? तूने मेरे वाला फार्मूला नहीं अपनाया? कैसा फार्मूला अब्बू, वो तो मेरे पे उल्टा पड़ गया। बेटा जैसा मैंने कहा था वैसा ही किया था ना तूने? मैंने तो ऐसे ही किया था अब्बू जैसा तुमने बताया था, पर पता नहीं वो तो मेरे पे ही उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया? बेटा तू चुप हो जा, मेरा नाम भी जमालू प्रधान है, जमालू प्रधान, जरा सोचने दे मुझे। अब्बू कुछ ऐसा सोचो जो मैं उनसे बदला लूं अपने पिटने का। ठीक है बेटा, तू घर पे ही बैठ, मैं आज चंपा बाई से दवाई लेकर ही आऊंगा। आऊंगा नहीं, अभी जाओ अब्बू, अभी लेकर आओ। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। जाओ। अरे बेटा टेंशन मत लियो, ठीक अभी है, तेरा अब्बू जिंदा है। ठीक है अब्बू। जय महाकाल। तो
दोनों खामोश क्यों हो? क्या बात है? गुरुजी, एक आदमी आया था और बहुत बदतमीजी से बोल रहा था। क्या? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारी चेलियों से उल्टा सीधा बोले? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे गुरुजी, वो तो ऐसी बात कर रहा था। अरे आप छोड़ो। अजी गुरुजी, वो कुछ बोलने में गड़बड़ा सी रहा था, वो तो आ भी गया। चंपा बाई को आदाब। जमालो प्रधान जी, क्या तुम हमारी चेलियों से उल्टा सीधा बोले? अजी वो मैं भूल से बोल गया था, मेरी गलती माफ कर दो। बोलो, कैसे आना हुआ? अजी मुझे ऐसी दवाई चाहिए जो मेरी बेटी मेरे दामाद से बदला भी ले ले और तलाक भी ना हो। ठीक है, हम तुम्हें ऐसी दवाई देंगे कि तुम्हारा काम हो जाएगा। वीर सिंह की खोपड़ी, राम सिंह का कड़ा, जहां भी मंत्र फेंक दो हो जाए मुर्दा खड़ा। ये लो, जाओ ले जाओ, उसे दे देना। ठीक है चंपा भाई, मैं चलता हूँ। आदाब। जय महाकाल, जय महाकाल। अभी बताती हूँ शेख जी को, अभी अपना बदला ले लेती हूँ, ये बिल्कुल सही समय है। ये मुल्ला पागल तो ना है? ये तो पूरी बदतमीजी को तराया। इसे पूछता सही इसके जी में क्या है। अभी तो इसके साथ में इसकी घरवाली भी थी, वो कहाँ गायब हो गई? क्या पता घरवाली थी या बाहर वाली, मन ने दे। अच्छा तो ये कुछ लेके ही जाएगा। हाँ आज मैं करवाऊंगी तेरे से बदतमीजी। इसे क्यों मार रही हो अपनी बहनोई को? ये उल्टी सीधी हरकत कर रहा था इसलिए मार रहे हैं इसे। अजी न तो ये बचपन से बीमारी है। मैं भी बीमार होता, बीमार होगा तेरा बाप। क्या बोला? अजी मेरे अबू बीमार हैं। अच्छा अच्छा, तो आप इन्हें ले जाओ। चलो शेख जी, पता नहीं मुझे कैसे कैसे बदला पूरा करना पड़ेगा। रुखसाना, ईमानदार से खुदा की कसम मुझे कुछ पता ही नहीं, वरना मैं ऐसी हरकत करता ही क्यों? आओ जल्दी। शेख जी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करती हुई उल्टी सीधी? रुखसाना मुझे पता नहीं थी, मुझे ये नहीं पता थी मैं गलती क्या कर रहा हूँ। शेख जी, ना तुम ऐसी हरकत करते और ना पिटते। पर रोजाना खुदा की कसम मुझे यही नहीं पता मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। ईमानदार अभी देखना दोबारा कैसा मजा आएगा। शेख जी चलना जरा, मुझे बाथरूम करना है। ये वक्त ठीक रहेगा बदला लेने का, आज फिर पिटवाती हूँ। चल घर चल, क्या सोचने लगी? ना तूने कुछ खिलाया ना पिलाया, भाई यही काम कर रही है उधर से उधर उधर से उधर। शेख जी मैं जरा एक काम और कर आऊँ, ठीक है? आओ मम्मी।
शर्म नहीं आ रही तुझे? यहाँ आ गया, अपना मुंह को उठा के पक्का बेच रहा मोरा तू। ये ले, यहाँ आ गया, यहाँ तक पीछे भी नहीं छोड़ा मारा। ले मार के खा, ले अब मजा आएगा तुझे। अब पिक तू खूब। शेख जी क्या हुआ, कैसे रो रहे हो? खड़े हो? खड़ा नहीं हो जा रहा, तू कर दे। खड़े तो हो जाओ। क्या हुआ, क्या बात है? रुक जाना तू। दोनों आदमी ने मुझे इतना मारा। क्यों, तुम्हें शर्म नहीं आई ने पीटते हुए? अपने पति को नहीं बताओगी? ये लेडीज बाथरूम में घुस गया, हमें समझा रही हो? और अंदर हमारे साथ में बदतमीजी कर रहा था। क्या शेख जी, ये लेडीज बाथरूम है, इनसे गलती हो गई, इन्हें बीमारी है। साली कैसे लपड़ रहा मारूंगा मुंह पे बदतमीज? मैं मुझे बीमारी क्यों होती? बीमारी होगी ना है? मैं तू तो मुझे बीमारी करके छोड़ेगी? अगर ये बीमार नहीं है ना, तो हम पुलिस थाने जा रहे हैं। और हम पुलिस में जाके ये कहेंगे कि हमारे साथ में छेड़खानी कर रहा था ये। शेख जी कह दो इनसे तुम बीमार हो, वरना ये पुलिस में चली जाएंगी। पुलिस में साली का मारूंगा बदतमीज, पुलिस में जाएगी। बुला बुला पुलिस, चले जाना पुलिस में, क्या उखाड़ लेगी पुलिस मेरा। अच्छा तो हम पुलिस बुला रहे हैं। शेख जी मान लो हमारी गलती है। नहीं मानू ना मानता, हम तो जा रहे पुलिस में। चलो अब घर चलो, बहुत ड्रामा कर लिया। जलालो प्रधान, हमारे विद्या बता रही है कि हमारे दवाई का गलत उपयोग हुआ है। अजी मेरा दामाद तो बहुत सीधा और भोला है, आप ऐसा करो आप अपनी दवाई वापस ले लो। ऐसी कौन सी गलती हुई? पुलिस में जाके ये कहेंगे हमें छेड़ रहा था वो। सही कह रही है तू। ए दोनों इधर आओ, बुला रही है। जी गुरुजी, हम तुम्हारा आश्रम में इंतजार कर रहे थे, और तुम दोनों कहाँ जा रही थी? हम पुलिस को बुलाने जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ, पुलिस क्यों? एक मुल्ला ने मेरे साथ में पूरी बदतमीजी कर दी, फिर भी गलती नहीं मान रहा है। उसकी घरवाली से बीमार बता रही, फिर भी नहीं मानना है वो। कहाँ है वो, कौन है वो? चलो हमारे साथ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो मैं भी चलो प्रधान जी, आप भी चलो। अरे सब ईद के दिन मरेंगे बदतमीज से। शेख जी क्या बड़बड़ा रहे हो, ठीक से बताओ। रुझाना मैं बड़बड़ाना क्या, पता नहीं लोग मुझे क्यों मारते हैं। चलो घर चलो, मुझे नहीं लेना कुछ बदला। बदला वो मैं कैसा बदला? वो मेरा मतलब कुछ नहीं, मेरी दवाई वापस कर दो। हाँ बेटी दवाई वापस कर दे, मुझे लोगों से बहुत नसीहत मिल गई। दवा, कैसी दवा? हाँ बेटा, मैंने ही रुखसाना के प्यार में आके दवाई चंपाबाई से ला कर दी थी। कोई बात नहीं, ये दोनों तो मेरी चेलियां हैं, कोई पुलिस नहीं आएगी। चंपाबाई आपने भी मेरे ऊपर ऐसा केस कर डाला जानते हुए भी? अरे मुझे क्या पता था कि आप जलालो प्रधान के दामाद हो, वरना मैं दवाई देती ही नहीं। अबू मेरा तो जैसा भी है ठीक है, दे दो इसकी दवाई वापिस, ये लो। मगर अबू चंपाबाई एक दो बात बतला, रुखसाना अब पुलिस तो नहीं आएगी? पुलिस तो नहीं आएगी, मगर कोई काम गलत मत करना। रुखसाना हाँ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, और तू मेरे से ऐसा बदला ले रही? अगली मैं तो तेरे लिए दुनिया से पिट सकता हूँ। शेख जी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कितना प्यार करने वाला शोहर मुझे मिलेगा। तो अब हम फिर मिलेंगे।